इंदौर का ये वीडियो बना देश के लिए नजीर, वीडियो जो बताता है कि लॉकडाउन की अवधि में साइकिल की सवारी वाला या पैदल यात्री या फरारी की सवारी वाले में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नियम सबके लिए नियम है, कानून सबके लिए कानून है, और इंसाफ यही कहता है कि किसी में भी भेदभाव ना हो। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। वीडियो में पहले दिख रहा है एक पैदल यात्री, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन करने की वजह से उठक बैठक लगवाई जा रही है। आप इसे देखकर सोचेंगे कि ये क्या नई बात है, पूरे देश में ही ऐसा माहौल है। शायद आपके मन में ये बात भी आए कि हर कानून पैदल यात्री के लिए क्यों, गरीब मजदूर के लिए क्यों, किसी अमीर जादे का ऐसा वीडियो दिखाएं तो जाने। तो लीजिए, अगला यात्री फरारी सवार है। जी हाँ, इस पर फरारी कार है। कार बेशक शानो शौकत वाली है, लेकिन पुलिस के रवैये में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंदौर की सड़कों पर फरारी कार लेकर तफरी करता ये रही ज्यादा पुलिस के चंगल में फंस गया। वीडियो में दिख रहा युवक फरारी कार लेकर और बिना मास्क पहने घूमने के लिए अपनी तेज रफ्तार कार से निकल पड़ा। पुलिस की नजर पड़ते ही पहले तो नियम कायदे बताने लगा, पास दिखाने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती करी तो सारे नियम धरे के धरे रह गए। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर युवक से ना सिर्फ उठक बैठक लगवाई, बल्कि मास्क नहीं पहनने पर सवाल भी किए। पुलिस ने उठक बैठक लगवाकर युवक को सजा दी और बाद में समझाइश देकर छोड़ दिया। अब फरारी सवार इस युवक का लॉकडाउन का उल्लंघन और पुलिस द्वारा उससे कराई गई उठक बैठक तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि चाहे पैदल यात्री हों या आप पे कोई लग्जरी कार हो, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कोरोना से जंग लड़ने पर देश का सहयोग करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ आवर इंडिया सब्सक्राइब करें। पूरा बैठ ले वो भी मैं सिखाऊँ, पूरा बैठ ले। स्टैंडर वर्क सामने झालना मेरे सामने के लिए बैठ। मास्क नहीं है क्या? मास्क है, तो उसमें क्या साथ में लगाएगा? वो बात नहीं है सर, तो दूसरी राय है। चलना टाइम पर।